औरंगाबाद ग्रामीण आणि शहर परिसरात तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील हायवेवर वाहने अडवून त्यांना मारहाण करत जबरी चोऱ्या करणाऱ्या सराई दरोडेखोरांच्या टोळीला नेवासा तालुक्यात गजाआड करण्यात अहमदनगर पोलिसांना यश आलंय. एरियल उर्फ आर्यन कांतीलाल काळे वय वर्ष 20 राहणार लिंबे जळगाव तालुका गंगापूर जिल्हा औरंगाबाद, सुंदरसिंग उर्फ गुलब्या शिवाजी भोसले राहणार गोंडेगाव तालुका नेवासा जिल्हा अहमदनगर, सुनील बाबाखान भोसले वय वर्ष 18 राहणार गोंडेगाव तालुका नेवासा जिल्हा अहमदनगर, श्रावण रतन चव्हाण वय वर्ष 20 राहणार तालखेड तालुका माजलगाव जिल्हा बीड अशी आरोपींची नावे असून त्यांच्याकडून 10,34,000 मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलाय. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि स्थानिक पोलीस स्टेशननी ही कारवाई केली आहे. तर आरोपींचा एक साथीदार अजय हिरालाल काळे राहणार भानसिवरा तालुका नेवासा जिल्हा अहमदनगर हा फरार असून पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत. आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत. आज अहमदनगर में एक प्रोफेशनल ऑपरेशन में एक दरोड़ा डालने वालों की का जो गैंग है वो पकड़ा गया है. ये 4 दिन में ये लोग 7 डकैती रॉबरी कर चुके हैं, उनमें से 3-4 औरंगाबाद में और कल और आज अहमदनगर में इन्होंने 2 डकैती डाली है. इन्फॉर्मेशन मिलने पर LCB की टीम और आसपास के 4-5 पुलिस स्टेशन की टीम है, इन्होंने पूरा एरिया सर्च करा और एक अच्छे ऑपरेशन में इनको अटक किया है. इनके पास एक गाड़ी, 3 मोटरसाइकिल, लगभग सोने के गहने, 27,000 कैश, रॉड वगैरह सब जब्त हुआ है. इनका पुराना डकैती और रॉबरी का रिकॉर्ड है. खूब एक्टिव, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्टिव गैंग आए. इट इज़ अ बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन ये रहा है. ये सड़क पर जो ट्रक और गाड़ी जाते हैं, इनको रोक कर, अड़ा कर, उनके ऊपर अटैक कर उनका कैश, ज्वेलरी वगैरह जो भी मिलता है लेकर ये रॉबरी और डकैती करते हैं. प्रतिनिधी रोहित पाटील, माय न्यूज, अहमदनगर.